अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं। दरअसल केजरीवाल लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। कभी वो ईडी और सीबीआई को लेकर बीजेपी को घेरते हैं तो कभी सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब अमित शाह ने भी इसमें कदम रख दिया है। अमित शाह ने सीधे केजरीवाल का नाम लेते हुए हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि केजरीवाल रोज अपनी छाती पीटते रहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से शनिवार को दावा किया गया कि आप सरकार ने दिल्ली सरकार और एमसीडी में काम करने वाले अधिकारियों का उत्पीड़न किया है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों के उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली। वो शिकायतें दिल्ली के साथ साथ पंजाब सरकार से भी संबंधित है। मामले में दिल्ली सरकार का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रतिशोध में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, अगर कोई शिकायत है तो उसे देखने के बाद ही आरोप पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। बता दें कि आप सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 आईएएस अधिकारी भी शामिल है, जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और वाईवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव सूरबीर सिंह शामिल हैं। भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के प्रमुख और आईपीएस अधिकारी मधुर वर्मा, आईआरएस अधिकारी और एमसीडी के गृह कर विभाग में कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में तैनात उप सचिव अमिताभ जोशी भी उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने शिकायत की है।